से लाए, वेद पुराणों से लाए, इसे करने जन कल्याण। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। विचारशीलता ही मनुष्यता है और विचारहीनता ही पशुता है। नमस्कार, इसी सुविचार के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे बहुचर्चित कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में, और मैं हूँ आपके साथ मोहिनी। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम का बस एक यही उद्देश्य रहता है कि आपके जीवन में चल रही हर एक समस्या, हर एक परेशानी को किस तरह से उसे श्री रामचरित मानस की सिद्ध चौपाई, सिद्ध रत्न और रुद्राक्ष के माध्यम से किस तरह से आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाधान करता है। तो इन्हीं तमाम जानकारियों के लिए हमारे स्टूडियो में हर बार की तरह इस बार भी उपस्थित है श्री रामचरण अनुरागी आचार्य श्री राज मिश्रा जी। तो आइए आचार्य जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। ओम प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। बोले श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम को देखने वाले और सुनने वाले आप सभी दर्शकों पर उनका शुभ आशीर्वाद बना रहे, ताकि आप सभी का जीवन समस्त प्रकार की सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। बिल्कुल दर्शकों, प्रभु रामचंद्र जी को नमन करते हैं और कार्यक्रम को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, आचार्य जी से बात करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाया जा रहा है, आप उन पे कॉल करके कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा कि असफल लोग, जो लोग असफल हो जाते हैं अपने कार्य में, उसका क्या कारण रहता है और उसका निवारण क्या रहता है। चलिए आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी, यहाँ पे जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि असफल रहते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उनके ग्रह ऐसे हो जाते हैं कि उनके जो कार्य होते हैं वो प्रतिकूल हो जाते हैं, तो अनुकूल करने के लिए क्या कारण, क्या कर सकते हैं और ऐसा क्यों होता है कि असफल लोग असफल रहते हैं हर वक्त? सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, सफलता और असफलता हमारे मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करती है। मुझे सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी वो हमारे बुद्धि के ऊपर है। यदि हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हमारी सोच अच्छी होगी, हम परमात्मा से सफल हर व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो सफलता प्राप्त कर पाते हैं। यदि वो परमात्मा से उनका जुड़ाव हो तो निश्चित रूप से एक अच्छी सफलता प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरित्र मानस में कहते हैं कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाय रही पाई बिन उपाई। यदि परमात्मा से विमुख हो गए हैं तो धीरे धीरे करके आपकी सारी जो प्रभुता है वो खत्म होती चली जाती है, लेकिन यदि परमात्मा से जुड़े रहें तो निश्चित रूप से आपका जीवन समस्त प्रकार की सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होता है। यदि हम सफलता की बात करें, जन्म कुंडली के अंदर भाग्य क्षेत्र यदि अच्छा हो तो हमें अच्छी सफलता प्राप्त होती है, कर्म क्षेत्र अच्छा हो तो अच्छी सफलता प्राप्त होती है। यानी जन्म कुंडली के नवम भाव और दशम भाव और लग्न की परिस्थिति देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम हस्तरेखा के संबंध में इस चीज को लेकर बात करें, आप सभी लोग जानते हैं सफलता में हमारे मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क कार्य करेगा उस प्रकार हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, अच्छा और बुरा होगा। हमारी मस्तिष्क रेखा यदि बृहस्पति क्षेत्र से निकले, गुरु क्षेत्र से निकले और जीवन रेखा को स्पर्श करती हुई आगे चले जाए, यानी यहां से निकले, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, यदि यहां से निकले और जीवन रेखा को स्पर्श करते हुए आगे चली जाए तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति विचारशील होता है, अच्छी योजनाएं बनाता है और व्यक्ति जीवन में एक अच्छी तरक्की प्राप्त करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति एक उच्च पद प्राप्त करता है, उच्च अधिकारी होता है, जिससे उसके जीवन में समस्त प्रकार की अच्छी सफलताएं प्राप्त होती हैं। अब क्योंकि हम यहां विशेष बात कर रहे हैं असफल व्यक्तियों के ऊपर, तो उनके हाथों में ऐसा कौन सा चिन्ह होता है? यदि आपके हाथ में ऐसा कोई चिन्ह है तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है।
अगर मस्तिष्क रेखा हमारे यहां से चलती है और चंद्र क्षेत्र पर आकर के मुड़ जाती है, यहां पर आती है और चंद्र क्षेत्र पर अचानक आकर के मुड़ जाती है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुत कल्पनाशील होता है, बहुत सारी योजनाएं तैयार करता है, लेकिन वो योजनाएं सिर्फ उसकी योजना भर ही रह जाती हैं, उसमें सफलता की प्राप्ति करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत काल्पनिक होता है, सिर्फ कल्पना करता रहेगा, योजनाएं बनाता रहेगा, लेकिन जब भी उसको क्रियान्वयन करने का समय आएगा, उसको प्रयोग करने का समय आएगा, तो वो जातक उसको प्रयोग नहीं कर पाता है और जीवन में असफल रहता है। दूसरी मस्तिष्क रेखा ही है, मस्तिष्क रेखा यहां से आती है और इधर ना जाकर के मंगल क्षेत्र पर ना जाकर के चंद्र क्षेत्र पर ना जाकर के मणिबंध की तरफ अचानक झुक जाती है, यहां पर आ जाती है, ध्यान से देखिएगा, यहां आती है और यहां मुड़ जाती है, सीधे मणिबंध की तरफ चली जाती है। ऐसा जातक ये भी बहुत काल्पनिक होता है, बहुत सारी योजना बनाता है और योजना बनाने के बाद क्या करता है, जितनी उसकी हैसियत है उससे अधिक कार्य प्रारंभ कर देता है, यानी व्यक्ति की हैसियत छोटा कार्य करने की है लेकिन उसने लोगों के कहने में आकर के या अपनी सोच के अकॉर्डिंग बड़े बड़े चीजों के कार्य, बड़े बड़े कार्य एक साथ प्रारंभ कर दिए। अब क्योंकि हैसियत से ज्यादा कार्य प्रारंभ किया है, नॉलेज से ज्यादा कार्य प्रारंभ किया है, तो ऐसी चीजों को सफलता प्राप्त करने में बहुत दिक्कत प्राप्त होती है। तो ऐसा जातक हैसियत से ज्यादा कार्य करने के कारण असफल होता है और असफल होने के बाद यहां तक कि आत्महत्या तक करने तक का विचार बना लिया करता है। तो दूसरी प्रक्रिया, यदि मस्तिष्क रेखा की परिस्थिति बहुत अच्छी होगी तो निश्चित रूप से जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, यदि मस्तिष्क रेखा की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी तो जातक अच्छी सफलता नहीं प्राप्त होगा। और भी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा कार्यक्रम में आगे जाकर के। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से हस्त रेखा के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि अपने जीवन में हम कब सफल होंगे और कैसे सफल होंगे, और जानकारी आचार्य जी से हम आगे लेते रहेंगे। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते पंडित जी। जी जय श्री राम, कैसे हैं आप? हाँ जी, बस ठीक ठाक जी। बताइए क्या बात है? बहुत दिन से आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे जी, आज भगवान राम के आशीर्वाद से आपकी कॉल लग गई, आपसे बात भी हो रही है, बताइए क्या बात है? हाँ जी, पंडित जी मेरा नाम टिंकी है। जी बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। टिंकी, और वैसे तो घर पे सब मोना मोना बोलते हैं जी। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 23/11/1983। 23/11/1983 जी जी, 23/11/1983। टाइम बता दीजिए। और समय कुछ 6 से 6:30 शाम का। शाम को 6 से 6:30। कहाँ पे जन्म हुआ है? हाँ, शिलोंग मेघालय जी। क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं जी? मुझे अपने भविष्य के बारे में थोड़ा जानना है कि ना कुछ मतलब काम मेरा ठीक ही नहीं हो रहा, अच्छे नहीं हो रहे हैं, बहुत लाइक मुश्किलें आ रही हैं। कोई भी काम आपका ढंग से हो नहीं रहा है, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। एक बात मुझे बताइए, लाइक मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही है जी। मुझे एक बात बताइए, वर्तमान परिस्थिति में मन काफी उदास रहता है क्या? किसी कार्य में ढंग से मन नहीं लगता है, मानसिक अशांति ज्यादा रहती है क्या? जी 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 बिल्कुल। आपके यदि हम समय को लेकर के बात करें, जैसा कि एक चीज देखी जाए कि आपके विचार अच्छे हैं, आपके जो कार्य करने का तरीका है वो अच्छा है, मेहनत अच्छे से करते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा मेहनत करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आप मुझे अपने हेल्थ के बारे में बताइए, आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है? स्वास्थ्य तो मेरा मतलब अभी तो फिलहाल ठीक है, टेंशन रहती है और शादी को लेकर जो शादी हुई थी मेरी, तो एक महीने में मैं रिटर्न आ गई, फिर परिवार अच्छा नहीं था, लड़का अच्छा नहीं था, तो अभी आगे मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन कैसा रहेगा, कोई अच्छा इंसान मेरी लाइफ में आएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि हाँ बहुत सारे, एक तो सबसे पहले लग्नेश जन्म कुंडली का छठे भाव में है, लग्नेश का छठे भाव में जाना कहीं ना कहीं हमारे जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करने को दिखाता है। हम एक समस्या से बाहर निकलते हैं, दूसरी समस्या आकर के घेर लेती है, दूसरी समस्या से बाहर निकलते हैं, तीसरी समस्या आकर के घेर लेती है, हमेशा जीवन एक खराब परिस्थिति में रहता है, जीवन को अच्छी परिस्थिति में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नवम भाव के स्वामी अपने से द्वादश भाव यानी छठे भाव में विराजमान है, यानी वैवाहिक जीवन में भी ये चीजें दिक्कत करती है। पर हाँ, आने वाले समय की यदि मैं बात करूं, 5 मई 2018 के बाद जो आपका समय है वो कहीं ना कहीं बेहतर होना है, जो वर्तमान परिस्थिति में चल रहा है इसकी अपेक्षा उस समय आपकी परिस्थितियां निश्चित रूप से बेहतर होने वाली हैं। पर उसको बेहतर करने के लिए आप कोई उपाय करने की आवश्यकता है। उपाय क्या है? उपाय
एक पन्ना लेकर के सवा छह रत्ती का और उसको सबसे छोटी फिंगर में बुधवार के दिन धारण करना है। श्री रामचरितमानस बाल कांड के दोहा नंबर 52 से लेकर के और 100 तक के माध्यम से पूरे इन दोहा सिद्ध करा करके इसको आपको एक पन्ना रत्न लेकर के धारण करना है। दूसरी परिस्थिति क्या करना है, केसर का तिलक रोज अपने मस्तक पर लगाना है। तीसरी चीज आपको क्या करना है, एक गौरी शंकर नामक रुद्राक्ष आता है इसको लेकर के गले में धारण कर लीजिएगा। ये तीन उपाय आप नियमित रूप से करेंगे, भगवान के आशीर्वाद से एक अच्छा व्यक्ति आपकी जीवन में आएगा, आपकी शादी दोबारा अच्छे से हो जाएगी, वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा, शरीर अच्छा होगा और अच्छी नौकरी प्राप्त करके जीवन को सुख समृद्धि पूर्वक व्यतीत कर पाएंगे। बिल्कुल दर्शकों, आचार्य जी ने जो भी अचूक उपाय बताए हैं, जो भी चौपाइयां बताई हैं, उनका आप पालन करिए। मैं आशा करती हूँ निश्चित ही आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी। दर्शकों, इसी के साथ बताना चाहूंगी कुछ समस्याएं होती हैं जो आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर ही बता सकते हैं, टीवी चैनल या फिर कॉल के माध्यम से नहीं बता पाते हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिल सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए और आचार्य जी से मिलिए, अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त करिए। आचार्य जी, वक्त हो चला है पहली तीन राशियों के बारे में जानने का। प्रथम राशि मेष के लिए आज सावधानी का दिन है। आज कुछ शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, इसलिए कोई भी कार्य करें बहुत सावधानी पूर्वक करें। अपनी योजनाओं को पूर्ण होने से पहले सबसे डिस्कस ना करें, नहीं तो योजनाएं आपकी अधूरी ही रह जाएंगी। आज आपके लिए दो का अंक बेहतर रहेगा, हल्का पीला रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आपके लिए होगा शाम को 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक का। दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि वृष के जातक के लिए आज का दिन बेहतर है। मित्रों का सुंदर सहयोग प्राप्त होगा, पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, बुद्धि आज बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। आज आपके लिए एक का अंक और लाल रंग बेहतर है। शुभ समय आपके लिए होगा 10:30 से लेकर 11:30 बजे तक का। दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि मिथुन के जातक भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, आज जरूर प्रयास करें, अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी किया गया प्रयास आज आपका सफल होगा। इंपॉर्टेंट कार्य पर जाने से पहले पिता को प्रणाम करके जाएं। आज आपके लिए दो का अंक और लाल रंग लाभप्रद रहेगा। शुभ समय आपके लिए होगा 10:30 से लेकर के 3 बजे तक का। दिन उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल दर्शकों, आचार्य जी ने 3 राशियों के बारे में हमें बता दिया है, आगे की 9 राशियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले एक आपको जानकारी देना चाहूंगे, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है और अगर आप कार्यक्रम से जुड़ के आचार्य जी से बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भी आप आचार्य जी से मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट वाले नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। जो भी आपकी समस्या है आचार्य जी के सामने रखिए। हेलो, नमस्कार आचार्य जी। जय श्री राम, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं तो ठीक हूँ आचार्य जी। आपका हमने सिद्ध कवच लिया था, मैंने अपने हस्बैंड को धारण कराया था सिद्ध कवच जी। बिल्कुल, तो उसके बाद से घर में भी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और उनका भी जॉब का बहुत अच्छे से हो गया और उनको जॉब के इसमें कनाडा जाना पड़ा। चलिए, बहुत सुंदर है, भगवान राम के शुभ आशीर्वाद से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप लोग ये बताते हैं कि आप लोगों ने श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगाया और उसको अपने परिवार को धारण कराया और बहुत सुंदर, जैसा कि आपके पति का जो विदेशी दौरा है, कनाडा का दौरा है, वो लगा है। मुझे खुशी है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा सदैव उनके साथ परमात्मा का आशीर्वाद बना रहे और उनका जीवन, जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल को करने वाले अमंगल को हरण करने वाले हैं, उनका शुभ आशीर्वाद आपके पति के ऊपर बना रहे, उनका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, ऐसा मेरा शुभ आशीर्वाद है आपके परिवार के लिए। कुछ और जानना चाहते हैं आप? हाँ जी आचार्य जी, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या नाम? 30 अक्टूबर 2013 विवाह। जी डेट ऑफ बर्थ आइए दोबारा। 30 अक्टूबर 2013। 20 अक्टूबर 30 30 30 30। 30 अक्टूबर 2013। हाँ जी, 12:55 दिन में। 12:55 दिन में कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में, क्या जानना चाहते हैं? इसको आचार्य जी चोटें बहुत लगती हैं, बहुत गिरता है, बहुत चोटें लगती हैं इसे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपके बच्चे की अभी जो समय चल रहा है वो शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र इस कुंडली के दशम भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, दशम भाव में जाकर के यहां पर, हाँ क्षमा चाहूंगा, 11वें भाव में जाकर उपस्थित है। अंतर दशा शनि की चल रही है जो कि लग्नेश होकर के राहु के साथ विराजमान है और वो ग्रह अस्त है। जब भी जिस ग्रह की दशा या अंतर दशा चल रही हो या उसकी परिस्थितियां खराब हो, जैसा कि इस बच्चे का चौथा भाव भी पीड़ित है, चौथे भाव का स्वामी मंगल भी अष्टम भाव में है, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से बच्चों को बहुत ज्यादा
चोट लगती रहती है, दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। आप एक काम कीजिएगा, इस बच्चे के वजन के बराबर, जितना इस बच्चे का वजन है उतना सतनाजा लेकर के, सात प्रकार के अनाज को लेकर के, और किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिएगा। इस बच्चे से हाथ लगवा करके किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिएगा। दूसरा उपाय आपने यहां पर क्या करना है, प्रतिदिन 10 बार ओम नमः शिवाय या 11 बार ओम नमः शिवाय बोल करके इस बच्चे को सुबह सुबह थोड़ा सा गंगा जल पीने के लिए देना है। उससे इसकी दो परिस्थितियां बेहतर होंगी, एक तो इसकी पढ़ाई बेहतर हो जाएगी, दूसरी इसकी आगे जाकर के जो भविष्य है उसमें सोच अच्छी रहेगी, और जो चोट लगने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपको ये जो उपाय है ये करीब 31 दिन तक करना है। 31 दिन के अंदर आपके बच्चे का जो जीवन है वो बेहतर होगा, चोट लगना कम हो जाएगा, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। बिल्कुल दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का बस एक यही उद्देश्य रहता है कि आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर किया जाए, और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप हमें कॉल के माध्यम से और मिलके बताते हैं कि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव हुए हैं श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच के माध्यम से और आचार्य जी के बताए हुए उपायों के माध्यम से। तो आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चलाया जा रहा है उन पर आप कॉल करके श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवा सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सिद्ध किया हुआ है। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, आगे की तीन राशियों के बारे में बताइए। चतुर्थ राशि कर्क के लिए आज की परिस्थितियां बिल्कुल बेहतर हैं, मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी समस्याएं होंगी जिनको लेकर के आप चिंतित रहेंगे। आज आपको क्या करना है, आज सुबह उठ करके नहा करके केसर का टीका अपने मस्तक पर लगाना है, अपने कार्य पर जाना है, पीला रंग बेहतर है। आज आपके लिए 2 का अंक बेहतर है, शुभ समय आपके लिए होगा 10:30 से लेकर 12 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि सिंह के जातक के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है, आज धन लाभ से परिपूर्ण रहने वाला दिन है, वाणी का प्रयोग कीजिए, आज वाणी समाज को बहुत प्रभावित करेगी। परिवार के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास कीजिए, परिवार के सदस्य जो राय दे रहे हैं उस राय को गौर से सुनिए, वो आपकी व्यापार वृद्धि के लिए बहुत उत्तम राय है। आज आपके लिए 3 का अंक बेहतर होने वाला है, नीला रंग बेहतर रहेगा, शुभ समय आज आपके लिए होगा 1:20 से 2:30 तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि कन्या के जातक के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, खैर मस्तिष्क में डबल माइंडेड रहेगा, मस्तिष्क घूमता रहेगा, क्या करें क्या ना करें, लेकिन ध्यान रखिए जो डिसीजन पहली बार दिमाग में आया है उसी को लीजिए, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अगर कार्य कर रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यदि माता घर में है तो उनसे राय लीजिए, नहीं है तो कोई बड़ी स्त्री घर की है उनसे राय लीजिए, वो राय आपके लिए अमृत तुल्य काम करेगी। आज आपके लिए 6 का अंक बेहतर रहेगा, लाल रंग बेहतर रहेगा, शुभ समय आपके लिए होगा 9:00 से 10:00 तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने 6 राशियों के बारे में हमें बता दिया है, आगे की 6 राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो भी आपका सवाल है आचार्य जी के सामने रखिए। हेलो, हेलो, हाँ जी बताइए। आचार्य जी नमस्कार जी, जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप? सब बढ़िया आचार्य जी, आप लोगों का दुआ बना रहे ऐसे ही जी। बताइए क्या बात है जी। आचार्य जी मेरे कुछ जॉब के बारे में पूछना था आपसे जी। क्या नाम है आपका जी? शशि। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 10 मार्च 1990। 10 मार्च 1990। टाइम बता दीजिए। शाम के 7 से 8 के बीच में। शाम को 7 से 8 के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? बिहार। बिहार में कहाँ पे? दरभंगा। दरभंगा। जॉब को लेकर जानना चाहते हैं? जी जी जी। जैसा कि अगर हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो आप के उम्मीद के मुताबिक आपके पास जॉब नहीं है, जो आप करना चाहते हैं उसके अनुसार आपके साथ काम नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं बंधन में मौजूद पा रहे हैं और उस परिस्थिति से निकलना चाहते हैं लेकिन निकलने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, यही परिस्थितियां हैं जी। जी जी। जैसा कि वर्तमान में चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है, मानसिक सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं है, मानसिक उदासी है कहीं ना कहीं, और इस टाइम यदि धन की परिस्थितियां देखी जाए, पैसे को लेकर की कंडीशन देखी जाए तो भी बहुत अधिक पैसा नहीं है कि जीवन में किसी प्रकार का रिस्क लिया जा सके या किसी प्रकार ऐसी कंडीशन प्राप्त की जा सके जिससे हम जीवन में आगे बढ़ पाए। तो इस कारण से आप फिलहाल जीवन पर किसी डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आपने नौकरी को लेकर के बात किया है, अभी नहीं, 22 फरवरी 2000
2018 तक आपको नौकरी को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 22 फरवरी 2018 के बाद जाकर के आपके नौकरी की परिस्थिति बेहतर होगी। 22 फरवरी 2018 के बाद एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि आपका 22 फरवरी 2018 के बाद विदेश यात्रा का योग बने, किसी न किसी कारण से आपके विदेश यात्रा तक का योग बन सकता है। तो तैयार रहिए, 22 फरवरी 2018 आपके भाग्य को उदय करने वाला होगा। आप जीवन में एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपके दशम भाव का स्वामी बुध है, लग्न का स्वामी बुध है और छठे भाव में सूर्य के साथ आकर विराजमान है। जब भी अगर सामर्थ्य हो पाए, ना हो पाए तो श्री रामचरितमानस बालकांड का सबसे पहले सोरठे का रोज पाठ कीजिए। अगर सामर्थ्य हो पाए तो एक पन्ना रत्न लेकर के सवा पांच रत्ती का इसी दोहे के माध्यम से सिद्ध करा करके अपने हाथ में धारण कर लीजिएगा। छोटी फिंगर में आपको नौकरी प्राप्त होगी, आप जीवन में बहुत अच्छा आगे बढ़ पाएंगे, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो जो भी आचार्य जी ने अचूक उपाय बताए हैं, जो भी चौपाइयां बताई हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप वो नोट कर लेते हैं, जिसका आप पालन करेंगे तो आपके जीवन जो है बिल्कुल संपन्न हो जाएगा और जो भी परिस्थितियां आपकी प्रतिकूल हो गई होंगी वो अनुकूल हो जाएंगी। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहूंगी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी यहाँ पे कॉल नहीं लग पाती है या कट हो जाती है लगने के बाद, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और सारी समस्याओं का समाधान वहां से प्राप्त कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भी आचार्य जी से आप मिल सकते हैं, अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिलके साझा कर सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पे संस्थान का नंबर चलाया जा रहा है, उस पे कॉल कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। आचार्य जी, वक्त है आगे की तीन राशियों के बारे में जानने का। सप्तम राशि तुला के लिए सावधानी की आवश्यकता है। आज धन का व्यय अत्यधिक होने वाला है, मानसिक तनाव रहेगा, कुछ कार्य बिगड़ेंगे जिस कारण रात्रि में नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर हम भगवान राम की आराधना करके चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे दिन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होगा। 2 का अंक बेहतर है, लाल रंग बेहतर है, शुभ समय रहेगा। 11:30 से लेकर 12 बजे तक का दिन बेहतर तरीके से व्यतीत हो, भगवान राम से मेरी यही प्रार्थना है। राशि वृश्चिक की अगर हम आज यहां पर बात करें, अच्छा दिन है, धन लाभ से परिपूर्ण रहने वाला दिन है, मित्रों का सुंदर सहयोग प्राप्त होगा, प्रेम संबंध है, शादी में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं तो किया गया प्रयास आज आपका सफल होने वाला है, व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी। 4 का अंक बेहतर है, नीला रंग बेहतर है, शुभ समय आपके लिए रहेगा। 3:00 से लेकर के 6:30 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि धनु के जातक के लिए नई नौकरी तलाश कर रहे हैं, बहुत दिन से किया गया प्रयास असफल हो रहा है, आज प्रयास कीजिए, सफलता प्राप्त होने वाली है। सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य रुका हुआ है तो वो भी आज आप संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे, सफलता प्राप्त होगी। पिता का सहयोग प्राप्त होगा। 1 का अंक बेहतर रहेगा, हल्का लाल रंग बेहतर रहेगा, शुभ समय आज आपके लिए होगा 8:30 से 9:30 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने 9 राशियों के बारे में हमें बता दिया है, आगे की 3 राशियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शकों, वक्त हो चला है आगे का विषय जानने का कि विषय आगे का और क्या रहेगा। आचार्य जी, अभी हमने बात की कि असफलता, जो व्यक्ति को असफलता मिलती है बहुत ज्यादा, अगर वो सफल होना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो असफल हो जाते हैं, आपने हमें बताया हस्तरेखा के माध्यम से किस तरह से हम इसका निवारण कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जैसे कि कॉल हमारे पास आती रहती है और हमें बताते हैं कि श्री रामचरित मानस सिद्ध कवच से उन्हें कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो क्या हम ये जान सकते हैं या फिर अपने जो भी हमारा असफलता हमें मिल रही है उसका हम निवारण श्री रामचरित मानस सिद्ध कवच को धारण करने से कर सकते हैं? असफलता मिलती क्यों है, महत्वपूर्ण है इस चीज को जानना। असफलता मिलती है हमारे भाग्य के ना साथ देने से, हमारे मस्तिष्क की अच्छी परिस्थिति में कार्य ना करने से। जब भी हमारी जो ये मस्तिष्क रेखा है, अगर यहां पर जाकर के 2 जिह्वा हो गई हो, 1 बुध की तरफ चली गई हो, 1 चंद्रमा की तरफ चली गई हो, तो व्यक्ति कल्पना की समस्त सीमाओं को पार कर देता है, सिर्फ और सिर्फ सोचता रहता है। हम सोचें सफलता प्राप्त हो इसके चांसेस नहीं है। सही समय पर सही डिसीजन लें, सफलता प्राप्त होगी। सही समय पर सही डिसीजन लें, उसके साथ भाग्य भी यदि हमारा साथ दे तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होती है। भाग्य, ग्रह, सब कुछ अनुकूल होने चाहिए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जाके डर अतिकाल डराई और जो सुर असुर चराचर खाई। भीषण खुद कहता है, रावण से कहता है कि प्रभु जिसके डर से काल डर जाता है वो है भगवान राम।
तो यदि उनसे बैर करेंगे तो सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसी प्रकार हम हमारे भाग्य में यदि कोई ग्रह प्रतिकूल है या जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं और हम भगवान राम की शरण में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की प्रत्येक परिस्थितियां बेहतर होती हैं। आवश्यकता है मस्तिष्क अच्छे से काम करे, ताकि कल्पना करने से सफलता नहीं मिलती है, योजना बनाने से सफलता नहीं मिलती है, योजनाओं को प्रयोग करने से सफलता मिलती है। प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? हम जब श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच को धारण करते हैं तो हमारी बुद्धि एकाग्रचित होती है, हमारी बुद्धि कहां पर चलनी चाहिए वो चीजें हमें पता होती है, और जब हमारी बुद्धि सही दिशा पर चले तो निश्चित रूप से सफलता हमें प्राप्त होती होती है। मैं इस चीज को जानता हूं। श्री रामचरितमानस की चौपाइयां हम श्रद्धा पूर्वक करें और हमारे जीवन में परिवर्तन न लाए यह संभव नहीं है। अगर दिक्कत होती है तो सिर्फ हमारी तरफ से हो सकती है, हम चौपाइयों को अच्छे से पाठ न करें। यदि आप पाठ नहीं कर पाते हैं, श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण करते हैं, निश्चित रूप से जीवन बेहतर होता है, सही मार्ग पर चलते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने हमें बताया कि किस तरह से प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से हम अपने जीवन को संपन्न बना सकते हैं। दर्शकों, अब वक्त तो चला है आगे की तीन राशियों के बारे में जानने का। आचार्य जी, आगे की तीन राशियों के बारे में बताइए। दशमस्थ राशि मकर के लिए आज की परिस्थितियां बेहतर है, मन प्रसन्न रहेगा। विदेश यात्रा करना चाहते हैं आज, प्रयास करेंगे सफलता प्राप्त होगी। पर ध्यान रखिए, भूमि खरीदने जा रहे हैं तो उसके दस्तावेज बहुत अच्छे से देख लीजिए, वहां पर आपके साथ धोखा होने का पूर्ण योग बन रहा है। आज आपके लिए 7 का अंक लाभप्रद रहेगा, सफेद रंग लाभप्रद रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए होगा दोपहर का 1:10 से 2:30 तक का। दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि कुंभ के जातक आज शत्रु परेशान करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। आवश्यकता है कि हम उनको मौका ना दें, अपने कार्य को पूर्ण सावधानी से करें ताकि वो हमें किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचा पाए। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं और चाहे व्यापार कर रहे हैं, इन दोनों चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपके लिए 2 का अंक बहुत बेहतर है, हल्का काला रंग बेहतर है। शुभ समय आपके लिए रहेगा सुबह 8 से लेकर 9:30 तक का। दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि मीन के जातक के लिए दिन बहुत अच्छा है, मन में धार्मिकता उत्पन्न होगी, भाग्य पूरी तरह आपके साथ है। आज यदि कोई व्यापार प्रारंभ करने जा रहे हैं तो पत्नी से कुछ धन लेकर के उस व्यापार में लगाइए, बेशक वो 5 रुपए लेकर के लगाइए, बेशक वो 100 रुपए लेकर के लगाइए, निश्चित रूप से ये पैसा आपके भाग्य की वृद्धि कराने वाला होगा। आज आपके लिए 5 का अंक बेहतर है, लाल रंग बेहतर है। शुभ समय आपके लिए रहेगा 3 से लेकर 4:30 तक का। दिन बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। रुको दर्शकों, तो आचार्य जी ने कालचक्र की 12 राशियों के बारे में हमें बता दिया, और बता दिया है कि किस तरह से आज हम अपना दिन व्यतीत करेंगे। अब हम जानते हैं कि आज का विशेष उपाय क्या है। आचार्य जी, आज का विशेष उपाय बता दीजिए। विशेष उपाय बहुत सुंदर है, श्री रामचरितमानस सुंदर कांड, कांड का नाम ही सुंदर है, दोहा नंबर 23। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्याग हूं तम अभिमान, और भज हूं राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। इसके श्रवण करने से आज आपका दिन बहुत बेहतर तरीके से व्यतीत होगा, और यदि इस चौपाई का आपने 5 बार पाठ किया तो आपकी जो असफलता है वो सफलता में बदल जाएगी, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने जो भी विशेष उपाय बताया है, मैं आशा करती हूँ कि आप उसे नोट कर रहे होंगे, उसका आप पालन करेंगे, जिससे कि आज आपका दिन अच्छे से व्यतीत होगा। अगर आप आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो उनसे मिल सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे संस्थान का नंबर चलाया जा रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। अगर आप कार्यक्रम को अभी नहीं देख पाते हैं, समय का अभाव हो जाता है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब का नाम है मानस ज्योतिष ज्ञान, तो आप उसको देखिए और अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त करिए। आचार्य जी, आज आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों का इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।